एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक छजलैंड स्थित सुल्तानपुर फलेदा गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 11 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान रामेश्वरी हैं, जिन्होंने अपने गाँव में विकास को बेहतर तरीके से कराया है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गाँव में विकास कार्य उनके कार्यकाल में बेहतर तरीके से हो रहा है। वहीं जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा गाँव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए नाले व नालियों का निर्माण भी बेहतर तरीके से कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा गांव में सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं, जिससे ग्रामीणों के पत्र प्रकाशन की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए लगभग 60 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी प्रधान द्वारा लगवाए जा चुके हैं। गाँव में पानी की आपूर्ति कराने के उद्देश्य से प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा गाँव में लगभग 23 हैंडपंप भी लगवाए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए किसी भी तरीके की तकलीफों से न गुजरना। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में प्राइमरी व जूनियर पाठशालाओं में लगभग 80 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। वहीं गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभों जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन शामिल हैं, ग्राम प्रधान द्वारा सभी ग्रामीणों व पात्रों को मुहैया कराए जाते हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि उनके गांव में अभी भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बना है। उन्होंने सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था उनके गांव में करवाई जाए, साथ ही साथ एक शमशान घाट, एक इंटर कॉलेज, अंबेडकर पार्क व कुछ बिजली के पोल अभी भी गांव में नहीं लगे हैं, इनका ध्यान सरकार जल्द से जल्द करे। वहीं ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि प्रधान अच्छी तरीके से गांव में विकास कार्य करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द फंड दुरुस्त कराएं, जिससे गांव में प्रधान द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं भी लागू की जा सके। हां, मैं प्रधानपति सुल्तानपुर फलेदे से बोल रहा हूं और जो भी मैंने विकास कार्य कराए उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो सड़कों का है और एक शौचालयों का है और स्कूल की बाउंड्री है, स्कूलों के शौचालयों की मरम्मत है, ये सुचारू रूप से सही करा दी गई है। और हमारे यहाँ नहीं तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था है, शौचालय मतलब क्या कहते हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल की बाउंड्री भी बहुत ख़राब है, उसकी मरम्मत चल रही है। मैं कपिल कुमार, ग्राम प्रधानपुर, ग्राम सुल्तानपुर फलेदा, ब्लॉक छजलैंड, जिला मुरादाबाद से। मेरी सरकार से निवेदन है कि हमारे गांव में एक अंबेडकर पार्क होना चाहिए, जिससे हमारे गांव के बच्चे जो खेलने जाते हैं उन्हें खेलने में दिक्कत होती है, लाइन वगैरह पर दुर्घटना भी हो चुकी है, इससे वहाँ पर पार्क बन जाएगा तो गाँव में बच्चों को सुविधा हो जाएगी खेलने के लिए और गाँव में जो टहलने की व्यवस्था भी हो जाएगी। दूसरी मेरी सरकार से निवेदन है कि एक गाँव में शमशान घाट बनना चाहिए, जिससे गांव वालों को जो दिक्कत आती है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और तीसरा और सबसे मेन, जो गांव में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, मैं सरकार से कर चाहता हूँ कि ये जो हमारे स्कूल में जूनियर हाई स्कूल है इसको इंटर तक करा जाए, जिससे हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। और गाँव में जितने भी विकास कार्य धीरे से चल रहे हैं, ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान हमारे खाते में भिजवाए, जिससे हम गाँव में विकास कार्य करा सकें और गाँव में तरक्की करा सकें।